हेलो दोस्तों, आज हम क्रोशिया से ये डिजाइन बनाएंगे जो आप कई कलर में बना सकती हैं। अगर आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकती हैं, दो से भी, तीन से भी, चार से भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे कितने कलर से बना सकती हैं। काफ़ी देखने में खूबसूरत लगता है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, इसे हम 21 चेन से शुरू करेंगे। 21 चेन ले लेने के बाद में और हम यहाँ पे चेन लेंगे, एक दो, दो चेन ले लिए। अब देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पांचवा चेन पे हम हुक को डालेंगे, पांचवा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से एक चेन बीच करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, एक बीच करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इस तरह से हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से, इस तरह से देखिए इसे बनाकर तैयार किए। अब हम यहाँ पे पलट लेंगे, पांच चेन लेंगे, दो तीन चार पांच बल लेंगे और ठीक यहाँ पे इसके ऊपर हुक डालकर एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ये तैयार किए। अब हमें क्या करना क्या है, इसे कट कर लेंगे, इसे हटा लेंगे। हर बार आपको इस तरह से कट करना पड़ेगा। अब दूसरा कलर का हम यहाँ पे ऊन जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम कट किए थे तो इसी स्थान पे हम ऊन जोड़ लेते हैं इस तरह से। और पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पांच बल लेंगे, इस स्थान पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया। फिर से एक चेन लेंगे और अगला यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से तीन बना लिए हम। अब यहाँ पांच चेन लेंगे, सात चेन लेंगे हम, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन लेने के बाद देखिए हम इस स्थान पे यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लिए ये। अब इसे इस पे हम तीन का एक करते हुए सात बार बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो देखिए हम चूँकि सात चेन लिए थे तो यहाँ पे हम सात बार बुने। अगर आप चाहें तो इस पे आठ या नौ भी कर सकती हैं। तो हम चलिए यहाँ पे आठ या नौ कर लेते हैं, आठ और एक नौ, नौ कर लिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम फिर से बल लेंगे, बल लेने के बाद इसे यहाँ लाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर से एक चेन लेंगे, फिर से इस स्थान पे एक डबल क्रोशिया। अब फिर से हम सात चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब इसे लाकर इसके ठीक, देखिए ठीक इसके नीचे यहाँ पे लाके इसे जोड़ेंगे इस स्थान पे। ये हो गया। अब इसे इस पे हम फिर से नौ बार बना लेंगे, एक दो तीन चार
पाँच, छः, सात, आठ और एक नौ। तो देखिए नौ बार बना लेने के बाद फिर से हम बल लेंगे। बल लेने के बाद यहाँ पे लाके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से सात चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और इसे लाकर ठीक देखिए इसके नीचे यहाँ पे जोड़ेंगे। जोड़ लिए, अब इसे पलट लेंगे इस तरह से और फिर से हम नौ बार यहाँ पे बना लेंगे। बस इसी तरह हमें बनाते चले जाना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ये बनाए, चार बार हमारा यहाँ पे बना। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पे इस ऊन को कट कर लेंगे। और हम दूसरे कलर का ऊन जोड़ेंगे। देखिए इसे यहाँ से जोड़ेंगे हम। एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन ले लिए। अब इसे यहाँ लाकर एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर से एक चेन लेंगे, फिर हम यहाँ लाकर अभी हमारा यहाँ काफ़ी करीब है इसलिए हम इस पे, तो देखिए यहाँ पे हम तीन बार, एक दो तीन, तीन बार इस तरह से डबल क्रोशिया किए। अब हमें करना क्या है, सात चेन लेंगे हम, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब देखिए इसे इस तरीके से घुमाएंगे, घुमाने के बाद ये जो बनाए हुए हैं हम इसे थोड़ा सा इस तरह से लेंगे और यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे। देखिए ये यहाँ पे इस तरह से जुट गया। अब इसे इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे हम नौ बार बनाना शुरू करेंगे। नौ बार बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ। देखिए बना लिए। अब इसे देखिए इस तरह से हम घुमा लिए। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद में इसे हम यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे। देखिए इस जगह पे जोड़ेंगे क्योंकि इस जगह पे हमें ये चेन यहाँ पे जोड़ना था तो हमारा ये यहाँ पे जुटेगा।
करके फिर से एक चेन लेंगे, फिर से एक बार हम यहाँ पे बनाएंगे, ये हो गया। अब फिर हम सात चेन लेंगे, 2 3 4 6 7, सात चेन ले लिए, इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए अब यहाँ ये बीचों बीच का जो है, देखिए सात चेन लेने के बाद ये बीचों बीच का जो है इसे छोड़कर ठीक इसके बगल वाला यहाँ पे हुक को डालेंगे हम इस तरीके से और इसे जोड़ लेंगे। देखिए जुट गया। अब इसे घुमाएंगे और फिर से हम 9 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो देखिए 9 बार बना लेने के बाद इसे इस तरीके से हम पलटेंगे, पलटने के बाद पल लेंगे और ठीक इसके बगल का, देखिए हम इसके बगल का इस चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 घुमा लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से घुमाएंगे, घुमाने के बाद ये बीच का छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से जोड़ेंगे, जुट गया। अब फिर से इसे इस तरीके से घुमाएंगे और 9 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया। अब इसे इस तरह से लेंगे और इसे हम लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। फिर से एक चेन लेंगे, यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे, फिर से 9 7 चेन पलट लेंगे। और देखिए पलटने के बाद हमें करना क्या है, ये बीच का ये छोड़कर इस पे लाना है, यहाँ लाकर जोड़ना है। अब 9 बार यहाँ हम बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए 9 बार बना लिए, फिर से इसे पलटेंगे इस तरह से, बल लेंगे, यहाँ लाकर जोड़ेंगे डबल क्रोशिया बनाते हुए, एक चेन लेंगे, यहाँ लाकर जोड़ेंगे डबल क्रोशिया बनाते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 पलट लिए इसे, यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। नौ हो गया। अब इसे एक डबल क्रोशिया यहाँ लाकर हम, ऊन तो हमारा कटेगा यहाँ पे, इसलिए इसे इस तरीके से बना लिया। पीछे से देखिए देखने में इस तरह का लग रहा है, जब इसे हम पलटेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, देखिए इस तरह का आ गया। अब आगे देखिए हमें, अगर आपको इसी कलर से बनाना है ग्रीन कलर से तो ग्रीन से बना सकती हैं, अगर कोई और कलर लगाना है तो आप कोई और भी कलर लगा सकती हैं।
तो चलिए हम एक और दूसरा कलर लगाकर बनाते हैं। पांच चेन ले लिए, यहाँ लाकर जोड़ेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम फिर से सात चेन ले लिए। अब एक हम यहाँ पे बना लेंगे, देखिए यहाँ पे बना लेंगे एक इस स्थान पे जोड़ लेंगे और फिर से नौ बार अभी से लाकर हम बल लेंगे, यहाँ लाकर एक डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया के साथ जोड़ें, फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम सात चेन लेंगे। सात चेन और देखिए अब हमें कहाँ जोड़ना है, ये यहाँ पे जोड़ना है, ये इस स्थान पे जोड़ना है। जोड़ लिए, अब यहाँ पे फिर से बनाएंगे। देखिए तो आपका ये इस तरह से बनकर चला आएगा, फिर एक बनेगा, यहाँ से एक यहाँ से निकल जाएगा, इस तरह से ये बनकर आपका चलाएगा। चलिए हम कुछ दूर इसे बनाकर दिखाते हैं। इसी तरह आप यहाँ से यहाँ जोड़ें, फिर यहाँ यहाँ बनाएं, फिर इस स्थान पे जोड़ें और फिर इस स्थान पे यहाँ पे जोड़ें और बना लें। तो चलिए हम एक लाइन और बनाकर आप लोगों को दिखलाते हैं। तो देखिए जब इसे आप ऊपर तक बनाती चली जाएंगी तो ये कुछ इस तरह का दिखने में लगेगा। और जितना भी इसे आप कलर देना चाहती हैं दे सकती हैं, दो कलर से बनाना चाहती हैं दो कलर से भी अच्छा लगता है, और अगर एक कलर से आप चाहती हैं तो एक कलर से भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।